हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मिनट विद विद एंड हियर आई एम बैक अनदर वीडियो सो अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हो तो ये वीडियो आपके लिए है तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है तो आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा वीडियो को लास्ट तक देखिए स्टार्ट कर लें सो वॉट अबाउट द फाइनल ईयर एग्जाम्स एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं पहले एक आ, लेटर के बारे में डिस्कस करते हैं युवा सेना हैज़ अप्लाइड टू यूजीसी फॉर कैंसलेशन ऑफ एग्जाम्स यस युवा सेना ने अप्लाई किया है यूजीसी को लेटर फ्रॉम यूवा सेना आप ये लेटर देख सकते हैं लेटर फ्रॉम दी युवा सेना टू यू और इसमें क्लियर कट लिखा गया है कि जो करोना वायरस का जो पैंडमिक सिचुएशन अभी है उसके वजह से स्टूडेंट्स काफ़ी स्ट्रेस में है एंड इट्स अ रिक्वेस्ट टू कैंसल फाइनल ईयर एग्जाम्स एज वेल तो इसके ऊपर अभी यू बेसिकली डिसाइड करेगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी हाईलाइट्स ऑफ दी एजुकेशन मिनिस्टर श्री उदय सावंत सर जिन्होंने लाइव लिया था फेसबुक पे तो उसमें जैसे पहले डिसाइड हुआ था फाइनल ईयर एग्जाम्स विल बी डिसाइडेड फ्रॉम फर्स्ट जुलाई टू थर्टी जुलाई एज डिसाइडेड अब ये इसके बेसिस पे उन्होंने जो फेसबुक पे लाइव लिया था उसमें बताया कि अगर सिचुएशन कंटिन्यू रहा सिचुएशन डेटोरिएट होता है तो स्टूडेंट्स के बेस्ट इंटरेस्ट में डिसीजन लिया जाएगा ट्वेंटी जून तक तो ट्वेंटी जून आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है बिकॉज एग्जाम जुलाई में होने वाला है तो ट्वेंटी जून तक अगर सिचुएशन वैसे ही रहा तो 20 जून के बेसिस पे स्टूडेंट्स के बेनिफिट के बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा कि उस टाइम पे ये डिसाइड किया जाएगा कि एग्ज़ाम्स लेने हैं या नहीं लेने हैं या एग्जाम्स को आगे और एक मंथ के लिए पोस्टपोन करना है दैट विल बी टेकन इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सो स्टूडेंट शुड नॉट वरी अबाउट दी सिचुएशन की किस तरीके से होने वाला है तो ये एक पॉइंट है जो कल के इसमें डिसाइड हुआ था स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू स्टडी टिल ट्वेंटी जून सो कंटिन्यू अयर स्टडीज काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स आर कन्फ्यूज कि उन्हें यह लग रहा है कि एग्जाम्स नहीं होंगे तो पढ़ाई करनी है या नहीं करनी काफ़ी सारे मेंटल स्ट्रेस में है काफ़ी सारे सिचुएशन ऐसी हो रही है जिसके वजह से दे आर नॉट गोइंग टू नॉट एबल टू डिसाइड बेसिकली सो उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया कि स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट किया गया है कि दे शुड स्टडी मतलब आप अपनी स्टडीज को ट्वेंटी जून तक कंटिन्यू करना है आपको कुछ भी स्टडीज को आपको स्किप नहीं करना है कंटिन्यू रख रखना ही है ही ऑल्सो एडेड दैट महाराष्ट्र गवर्नमेंट विल थिंक इन द फेवर ऑफ स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू गेट पैनिक सो जैसे उन्होंने 25 फाइव टू थर्टी लैक्स स्टूडेंट्स की एग्जाम ऑलरेडी कैंसिल कर दी है अभी 5 टू 7 लैक्स स्टूडेंट्स या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उसके बेसिस पे भी डिसाइड किया जाएगा एक्जैक्टली exactly कि अगर सिचुएशन ऐसे ही रहा तो एक्जैक्टली दे आर गोइंग टू डिसाइड बट फाइनल ईयर के सारे डिसीजन यू जी सी के नॉम्स के अंदर लिए जाते हैं तो यू जी सी को ऑलरेडी एक लेटर भेजा गया है अब यूजीसी विल डिसाइड एग्जैक्टली वॉट टू डू बिकॉज यू जी सी एज गिवन दैडेमिक कैलेंडर की अकेडेमिक कैलेंडर ऑगस्ट से शुरू होना चाहिए और उस बेस पर ये सारे डिसीजन लिए गए हैं तो श्री उदय सामंत सर ने यह कहा है कि स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट किया गया है कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को कि उन्होंने पैनिक नहीं होना है स्टूडेंट्स uh, ने जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपनी एग्ज़ाम्स एक, का प्रिपरेशन 20 जून तक कंटिन्यू करना है और 20 जून को फाइनलाइज हो जाएगा कि किस तरीके से एग्जाम्स होंगे सोशल डिस्टेंसिंग का भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो सकता है तो वो किस तरीके से होंगे सारे की सारी बातें ट्वेंटी uh, जून को क्लियर की जाएगी बट स्टूडेंट्स को उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया है कि जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं दे नीड टू कंटिन्यू देयर स्टडीज़ अप टू ट्वेंटी जून तो ट्वेंटियत जून तक उनको अपनी स्टडीज़ को धीरे धीरे कंटिन्यू रखना है मतलब ट्वेंटी जून को फाइनलाइज़ हो जाएगा कि एग्जैक्टली exactly आगे के सीनैरियो के बेसिस पे उस टाइम के करंट करंट सिचुएशन के बेसिस पे कि आगे किस तरीके से एग्ज़ाम्स को लिया जाएगा सो दैट इज़ द वीडियो तो यही सारे बातें लास्ट फ़ेसबुक लाइव में जो उन्होंने लिया था उसके बेसिस पे डिस्कस हुई थी सो so, ये सारी बातें मैंने आपको बताई है अभी तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स शुड कंटिन्यू देयर स्टडीज़ दे शुड नॉट स्किप देयर स्टडीज़ आई नो यू ऑल आर इन मेंटल स्ट्रेस की एग्जैक्टली exactly किस तरीके से करना है क्या है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है तो रूमर्स को ना फैलाए आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखें जैसे ही कोई नया अपडेट आता है वो मैं आपके साथ अपने चैनल पे शेयर करता ही रहता हूँ और काफ़ी सारे वीडियोस मैंने इस चैनल पे डाले हुए हैं तो वो रेगुलरली देखते रहे सो डेट आपकी प्रिपरेशंस में आ, चैनल की तरफ से भी काफी सारा हेल्प हो जाएगा तो वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक like करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बिकॉज मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे लाते रहता हूँ टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर थैंक यू वेरी मच